लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ रंजीत, मुझे अजय कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। मेरे बेटे से प्यार का नाटक करके मेरे आसपास कोई जाल बिछा रहा है। तुम उसे फौरन खत्म कर दो, लेकिन ये काम बड़े चालाकी से होना चाहिए। डोंट वरी, गॉड कसम, गॉड को भी पता नहीं चलेगा। भाई साहब आपके पास माचिस है? कमाल का आदमी है, आया दरवाजे से गया खिड़की से। माचिस भी नहीं थी। अंकल ये आपके लिए। किसने दिया? अंकल वो मिस्टर ब्रजमोहन, एक हादसे की वजह से उस दिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आज दोपहर 12 बजे मैं आपको माउंट व्यू चर्च पे मिलूंगा। की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई कम
ये क्या है? ये लोका का ट्रेनिंग सेंटर है। चलें। ओह, प्लीज कम। Please come in. Please be seated. ये रूम लुका के खास मेहमानों के लिए है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये बटन दबा दीजिएगा। और हाँ, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप कह रही हैं वैसे ही करूंगा। ये रहा लुका का किचन मेन्यू, आप क्या लीजिएगा? एक ग्लास दूध। ओके सर। मैंने आपसे मना किया था ना? दरअसल मुझे सिगरेट चाहिए था। थैंक यू। और हाँ, दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। इट्स अ वार्निंग। मिस्टर लोका का ये प्रपोजल मेरे समझ में नहीं आया। मिस्टर डीके, आप भूल रहे हैं, एक ही कंट्री में दो ग्रुप्स को आर्म सप्लाई का आइडिया मिस्टर लुका का है। आई थिंक हमें 20% की पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नेवर, मैं इस प्रपोजल के फेवर में नहीं हूं। तो दोस्तों, हमारी इस डील के बारे में किसी को कुछ कहना है? नहीं? कोई भी सवाल किसी के दिमाग में उठ रहा हो वो कर सकता है। हाँ मिस्टर डीके। मिस्टर लोका, अब तक किसी भी बड़े या छोटे मुल्क से
हथियारों की जो भी डील हुआ है हम बराबर के पार्टनर रहे हैं। आज भी पार्टनरशिप वैसा ही होना चाहिए। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं मिस्टर ली के? संभालिए अपने आप को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने आदमियों का नुकसान करके किसी किस्म का फायदा नहीं उठाना चाहता। लीजिए अपना सिगार तो जला लीजिए। इन्हें ऊपर उठने की बड़ी जल्दी थी, अंदर ही अंदर जलते रहते थे। और किसी को कुछ कहना है? एक्सक्यूज मी जनरल, कुंदन का इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर यहां तक पहुंच जाना काबिले तारीफ है। हाँ, मगर जो कीमत वो मांग रहा है वो कुछ ज्यादा है। क्यों ना उसे मारकर वो प्रोजेक्ट एम की फाइल हम हथिया ले। नहीं, प्रोजेक्ट एम की फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला हमारे साइंटिस्ट नहीं बना पाए वो इस प्रोजेक्ट एम की फाइल से पूरा हो जाएगा। फिर हम एक बड़ी ताकत बन जाएंगे और दुनिया को अपनी मिसाइल पावर से अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। कुंदन को मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आइए खाना खाएं। इटली और फ्रांस के सैलड्स, इधर हिंदुस्तानी खाना, वो है मुर्ग बहार, मटन मुगलाई, मुर्ग मुसल्लम, और वो है कश्मीरी डिश गोश्ताबा। नहीं नहीं नहीं, वो गोश्ताबा नहीं है। वो गोश्ताबा तब होता अगर उस पर धनिया और टमाटर के साथ साथ उबले अंडे काट के रखे होते तो। ये क्या बनाया है आपने? मुर्ग लजीज कश्मीरी बहार। और ये मेन्यू के अंदर क्या लिखा है? बहुत अच्छा खानसामा था। हमारी तरफ से इसकी कब्र पर एक टन सब्जियां चढ़ा दी जाएं। लगता है ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ओके। Okay.
आपके आदमी कमाल के थे, बातचीत करनी नहीं आती एक शरीफ आदमी से। अभी तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे तुम्हें ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। इस फाइल के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो। मैं प्रोजेक्ट एम की फाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, तब तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जहां भी ये जाना चाहे इन्हें हिफाजत के साथ वहां छोड़। एक्सक्यूज मी, ये आपने क्या किया? मैं कहता हूं ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसे जिंदा छोड़ने का मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जो भी हो, ये आदमी प्रोजेक्ट एम के बारे में जानता है। इसका कुंदन से कोई वास्ता है या यही कुंदन है, इसका पता चल जाए। मैंने इस पर पूरी निगरानी रखने का इंतजाम कर लिया है। तुम जाओ, मैं देखता हूं। आनंद, ये इंस्पेक्टर डिसूजा, काफी मदद की है इन्होंने मेरी। हाय। हेलो। ये है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमेशा फिरते रहते हैं मुझसे, काम ही कुछ ऐसा करते हैं। मैं ऐसे काम करता हूँ। और आप, ये सब क्या है? ये हॉस्पिटल, ये बेड, ये सब आपके प्लान में था? आनंद, तुम नहीं जानते कि मैं कैसी जगह से बचकर आया हूँ। वहां मैं एक ऐसे शातिर आदमी लुका से मिला, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतना खतरनाक होगा। उसके प्लान्स, उसके आइडियाज, पहले वो दो देशों को लड़ाता है, फिर उन्हीं देशों का हथियार बेचता है, ये उसका बिजनेस है। वो हथियार भी खुद ही बनाता है। वहां मैंने कई साइंटिस्ट देखे डिफरेंट कंट्रीज से, जो उसके लिए दिन रात काम करते हैं। मुझे आसानी से छोड़ने के पीछे भी उसकी साजिश है। खैर, जो भी हो, एक बात साफ हो गई कि कुंदन ने अभी तक उस फाइल का सौदा नहीं किया। अगर ये फाइल लुका के हाथ लग गई तो हमारे देश में तबाही आ सकती है। हाँ, हमें बहुत सावधान रहना होगा। डिसूजा, अब्दुल के केस के सिलसिले में जो चार आदमी गिरफ्तार किए थे, मैं उन्हें किसी और जगह मिलना चाहूंगा। बोल, क्या देखा तुमने? बोल। अजय, प्लीज। सब कुछ तेरी दुकान के पास हुआ था। मेरी दुकान बंद बंद थी या बंद कर दी थी तूने? कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं।
तुमने कुछ देखा? साहब ने कहा ना कि मैं एक अंधा आदमी क्या देख सकता हूं? गोली नहीं चलाना, मैं सब कुछ बताता हूं, सब बताता हूं। उस दिन जब मैं डिसूजा, इसे पुलिस की निगरानी में रखो, ये आदमी हमारे काम आ सकता है। तुम उस पर नजर रखो, मैं अभी आया। सर, कुंदन बीएम हाउस के सामने खड़ा है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। जी जी। किधर गया? इस तरफ गया। थैंक यू। इंतजार है किसी का? हाँ, आपका, आपके कॉम्प्लीमेंट का। निशा, एक मिनट। अजय। हेलो, आपकी अदा पसंद आई? ओह माय गॉड, मेरी तो बाइक खराब हो गई है और यहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? एक मिनट। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई।
क्यों? गुड आफ्टरनून सर. हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू सर. दीज आर योर मैसेजेस. वैसे आपकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 5'7". गुड, वेरी गुड. तो ये बात है, लड़कियों की हाइट जाने का बड़ा शौक है आपको. बस यूं ही. तुमने कभी मेरी हाइट तो नहीं पूछी, क्यों? तुम बिल्कुल फिट हो. पूरे एक हफ्ते बाद मिले हो मुझे. चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं. अंजू, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल मिलते हैं. मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरे साथ चल रहे हो बस. हाय हैंडसम. हाय. तुम्हारा काम थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है. आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो. आपकी तारीफ. लगता है इस वक्त बिजी हो. एनीवे, फिर मिलेंगे. बाय. उस दिन सड़क पर इसकी बाइक क्या ठीक कर दी, गले ही पड़ गई. कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, खासतौर लड़की की. तुम क्या कह रही थी? रेस्टोरेंट ना. कमाल है, यहाँ तो कोई भी टेबल खाली नहीं. लगता है सब लोग रोमांस कर रहे हैं. हाय हैंडसम. ये यहाँ भी आइए, बैठिए ना. आई डोंट माइंड, प्लीज. चलो यहाँ से, मुझे नहीं बैठना यहाँ. चलो. अगर अंजू. अजय, मैं कहती हूँ चलो. कमाल है, तुम ही मुझे इस रेस्टोरेंट में लेकर आई थी. हाँ, मुझे क्या मालूम था कि ये यहाँ भी बैठी होगी. ये क्या हो रहा हमारे साथ, कभी वहां कभी यहाँ? पता नहीं, तुम्हारे साथ मुलाकातें मुझे अच्छी लगती हैं. हाँ, देखिए आप. सुना, मुलाकातें अच्छी लगती हैं. अब इनके साथ बैठकर मुलाकातों को और हसीन बनाओ. देखो अंजू, मैं तुम्हें समझाता हूँ. कुछ नहीं समझना मुझे, जो देख रही हूँ वही काफी है. ये हमेशा तुम्हारे पास क्यों रहता है? एक अजीज की याद जुड़ी हुई है इसके साथ. चलो अब तो कॉफी पिला दो. चलो.